मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। काले चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। यदि आप अपने शरीर को फुर्तीला और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोज़ाना चने का सेवन जरूर करें। चना बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे कई तरह से खा सकते हैं, जैसे भूनकर, उबालकर या फिर तलकर। इसे किसी भी रूप में खाएं, यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। काले चने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नमी, चिकनाई, रेशे और कैल्शियम, कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ये पौष्टिक तत्व आपके शरीर को कब्ज, खून की कमी, मधुमेह, पीलिया जैसे रोगों से बचाते हैं। साथ ही आपको सुंदर और तेज़ दिमाग में भी मदद करते हैं। इसके अलावा यह हमारे बालों और त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चने में 27 से 28 फीसदी लोहे की मात्रा पाई जाती है, जो कि ना केवल शरीर की रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है, बल्कि हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर किडनी को भी नमक की अधिकता से दूर रखती है। बहुत से लोग काले चने को अंकुरित कर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में क्लोरोफिल, विटामिन ए, सी, डी और के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज और कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। पीलिया रोग को दूर करने के लिए काला चना बहुत ही फायदेमंद है। इसे कई तरीकों से हम खा सकते हैं। आजकल के दूषित पानी और खान पान की वजह से हमारी किडनी और पेट में पथरी की समस्या होना आम बात हो गई है। इसको दूर करने के लिए काले चने का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने के लिए रात भर चने को भिगो कर रखें और दूसरे दिन सुबह खाली पेट भीगे हुए काले चने में शहद मिलाकर खाएं। रोजाना ऐसा करने से पथरी होने की समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा काले चने के सत्तू और आटे से बनी रोटी भी इस समस्या से निजात दिलाते हैं। मधुमेह रोग से ग्रस्त मरीजों के लिए काला चना बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से शरीर और रक्त से ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे मधुमेह रोगियों को आराम मिलता है। इसका सेवन करने के लिए काले चने को रात भर भिगो कर रखें और रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। जिन व्यक्तियों को कम रक्तचाप की बीमारी है, उनको काले चने का सेवन करना चाहिए। इसे खाने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट रात में भिगोए हुए 20 ग्राम काले चने और 25 किशमिश के दाने या फिर मुनक्का का सेवन करें। इससे आपको कम रक्तचाप में आराम मिलेगा और चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। त्वचा संबंधी रोग जैसे खाज, खुजली, दाद और चर्म रोग आदि रोगों को दूर करने के लिए रोजाना अपने आहार में चने का सेवन शुरू करें। इसके अलावा आप चने के आटे की रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। धूप और धूल मिट्टी की वजह से त्वचा के कालेपन को दूर करने के लिए 12 चम्मच बेसन, 3 चम्मच दही या दूध और थोड़ा सा पानी मिलाकर उबटन बनाएं और अपने गले और चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट तक मलने के बाद नहा लें। ऐसा रोजाना करने से त्वचा का कालापन दूर हो जाता है। चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए रोजाना चने के बेसन का उबटन बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां नहीं आती और चेहरा सुंदर बना रहता है। चेहरे की झाइयां दूर करने के लिए रात्रि में 2 बड़े चम्मच चने की दाल को भिगो रखें। सुबह दाल को पीसकर उसमें दूध, चुटकी भर हल्दी और 6 बूंद नींबू के रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने तक इंतजार करें। फिर इसे हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। इस पैक को 3 हफ्तों तक लगाने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती हैं। काले चने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिससे यह पचने में भी आसान होता है। इसलिए रात में भिगोए हुए काले चने से पानी को अलग करके उसमें नमक, अदरक, जीरा मिक्स करके खाने से कब्ज की समस्या से निजात मिलती है। इसके अलावा इसके सेवन से बुखार, एनीमिया आदि परेशानियां दूर हो जाती हैं और शरीर की गंदगी भी साफ हो जाती है। चने का रोजाना सेवन करने से बार बार पेशाब आने की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही यूरिन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या में आराम मिलता है। महिलाओं में यदि गर्भपात की संभावना हो तो महिला का काले चने का काढ़ा बनाकर देना चाहिए। इससे गर्भ स्थिर बना रहेगा। इसके अलावा रोजाना चने का सेवन करने से सिरदर्द, त्वचा के सफ़ेद दाग, हिचकी, जुखाम आदि रोगों में आराम मिलता है। रोजाना कामकाज की वजह से पुरुषों को कमजोरी आ जाती है। ऐसे में रोजाना भिगोए हुए फिर अंकुरित चने का सेवन करने से कमजोरी दूर होती है। साथ ही पुरुषों की वीर्य से संबंधित परेशानी भी दूर हो जाती है। बलगम और किसी भी प्रकार की सांस की समस्या को दूर करने के लिए रात में भुने हुए चने को चबाकर खाएं और फिर बाद में दूध पी लें। इससे बलगम और सांस संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा ऐसा करने से महिलाओं की योनि से सफ़ेद पानी आना भी बंद हो जाता है। धन्यवाद।